हेलो फ्रेंड्स, सबका कॉलेज चैनल पे आपका मोस्ट वेलकम है। एंड इस चैनल के ऊपर हम एक प्रैक्टिस सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम सी प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस को करेंगे अपनी वीडियोस के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज हम डे वन के अंदर इस वीडियो के अंदर दो क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हैविंग इट्स हाइट, वेट एंड डेप्थ। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर आप क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, एक क्यूब का वॉल्यूम, जिसके अंदर आपको उसका हाइट दिया है, विड्थ दिया है एंड डेप्थ दिया है। अभी आपको क्या आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, पहले से ही आपको हाइट, विड्थ एंड डेप्थ प्रोवाइड की गई है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले यूजर से भी इनपुट लेंगे, डिफॉल्ट भी अपने जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज डिफॉल्ट भी रखने वाले हैं। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है हमारा एल्गोरिथम। देखिए गाइस, एल्गोरिथम के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से एल्गोरिथम हम लिख सकते हैं किसी क्वेश्चन का। एंड गाइस, एल्गोरिथम के एडवांटेज बहुत अच्छे हैं, मतलब हम एल्गोरिथम को लिखना एक गाइस बहुत अच्छा मैनर है एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए। सो हम इस क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा एल्गोरिथम लिखते हैं कि किस तरीके से हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना क्या फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। जो हमारा सेकंड स्टेप है उसके अंदर क्या करेंगे, हम अपने वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन वेरिएबल। अभी वेरिएबल हमारा क्या है, सबसे पहले एक इंट नाम से हम तीन वेरिएबल डिफाइन करेंगे, हाइट, वेट एंड हमारा डेप्थ। तो HWD नाम से मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा, असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। हमें वैल्यू असाइन करनी है वेरिएबल्स के अंदर, असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, स्टार्ट किया, देन हमने क्या किया अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। एंड थर्ड पार्ट में क्या किया हमने, असाइन की वैल्यूज हमारे वेरिएबल्स के अंदर। फोर्थ स्टेप के अंदर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेशन लिखेंगे। अभी वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेशन कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, हाइट इंटू वेट इंटू डेप्थ। तीनों को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना होता है एंड वॉल्यूम को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। सो इसी चीज को हम यूज करने वाले हैं, क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब किस तरीके से निकालेंगे। सो कैलकुलेट द वॉल्यूम, यहाँ क्या लिखेंगे हम, कैलकुलेट द वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम निकालने के लिए हम एक वॉल नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, डिक्लेयर कर लेंगे। एंड इस वॉल नाम के वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, हाइट को, विड्थ को एंड डेप्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जो इक्वल्स टू जो साइन दिख रहा है वो क्या आएगा, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। गाइस, मैंने ऑपरेटर के ऊपर भी पूरा एक वीडियो बना रखा है, किस तरीके से ऑपरेटर हमारे वर्क करते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर हमारे यूजफुल है। सो देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हमने क्या किया, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके H इंटू W इंटू D की जो वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर करा दी, वॉल्यूम के अंदर। अभी वॉल्यूम के अंदर जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, H इंटू W इंटू D की वैल्यू है। सो फिफ्थ स्टेप क्या होगा हमारा, जो हमारा लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप है क्या, डिस्प्ले द वॉल्यूम। अभी हमें डिस्प्ले कर देना, मतलब प्रिंट करा देना अपना वॉल्यूम को, डिस्प्ले द वॉल्यूम। अभी सिक्स स्टेप है क्या हमारा, लास्ट स्टेप है मतलब एंड, तो हमारा प्रोग्राम है वो क्या हो गया, एंड हो गया या स्टॉप हो गया। तो इस तरीके से हमारे पांच स्टेप है, सॉरी छह स्टेप है, छह के छह स्टेप के जरिए हम अपना पूरा प्रोग्राम लिखेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ये जो कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए गाइस अपने वीएस कोड के ऊपर एंड अपना प्रोग्राम लिखा। हाँ, तो हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.c नाम से मैंने एक फाइल बनाई है। सो इसके अंदर हम अपना पूरा सिंटेक्स लिख लेते हैं अपनी इंट मेन, यहाँ पे मेन फंक्शन लिख देता हूँ मैं, जिसके अंदर हम अपना कोड लिखने वाले हैं। अभी देखिए गाइस, यहाँ पे हमें क्या करना है, इंक्लूड stdio डॉट, यहाँ पे h लगाना है। देखिए इसके अंदर क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, जैसे एल्गोरिथम के अंदर हम अपना स्टेप देखते हैं, फर्स्ट स्टेप था स्टार्ट। स्टार्ट के अंदर हमने क्या किया, हमने अपना पूरा सिंटेक्स यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अभी सेकंड स्टेप क्या था, डिफाइन वेरिएबल इंट HWD। अभी तीन वेरिएबल डिफाइन करने हैं, क्या हमें तीन वेरिएबल डिफाइन करना है, इंट H, कोमा W, कोमा D। तीन वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए HWD नाम से। अभी थर्ड स्टेप क्या कहता है, देखिए थर्ड स्टेप हमारा बोलता है असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। अभी हमें अपने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को असाइन करना है। देखिए ये वाला जो पार्ट है वो क्या करा रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट पार्ट, एंड फर्स्ट पार्ट के अंदर हम डिफॉल्ट वैल्यू रखेंगे जो हमें क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी गई है। एंड इसके सेकंड वाले जो पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम यूजर से इनपुट लेंगे इनकी वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन वैल्यू इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू डाल देता हूँ। सो H के अंदर कितना था हमारा 10, एंड W के अंदर कितना था हमारी, कितनी वैल्यू थी 12, एंड D के अंदर जो हमारी वैल्यू थी वो कितनी थी 8। सो मैं तीनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करा दिया है, H के अंदर 10, W के अंदर 12 एंड D के अंदर 8। अभी देखिए जो हमारा फिफ्थ स्टेप है,
फोर्स है वो क्या कहता है कि कैलकुलेट करना है वॉल्यूम को। अभी वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर क्या करने वाले हैं, हम अपना रिजल्ट स्टोर कराएंगे। तो मैं एक वॉल नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट वॉल। इंट वॉल नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया एंड अब क्या करने वाले हैं कि इस वॉल के अंदर हम क्या स्टोर कराएंगे, एच इंटू डब्ल्यू इंटू डी। इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन है उसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, वॉल्यूम के अंदर। एंड फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या करने वाले हैं, हम डिस्प्ले कर देंगे अपने वॉल्यूम को। अभी डिस्प्ले कैसे करेंगे, यहां मैं लिख देता हूँ प्रिंट फंक्शन, प्रिंट एफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज परसेंटेज डी, एंड यहाँ पे कोमा लगा देते हैं एंड लिख देते हैं अपना वी ओ एल वॉल। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, लास्ट के अंदर क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं अपना जीरो। ठीक है गाइस, ये था हमारा कंप्लीट प्रोग्राम इस वाले क्वेश्चन का, एंड इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ आपको किस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। सो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत लिखी है, सो प्रिंट एफ। ठीक है, अब दोबारा इसको रन करते हैं एंड गाइस आप देख सकते हैं, इसको मैं डिलीट करके एक बार अच्छे से आपको रन करा के दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 960। अभी वॉल्यूम क्या होता है इस क्यूब का, 960 बताया। सो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं आपको थोड़ा ड्राई रन करके दिखा देता हूँ कि हमारे कंपाइलर ने क्या किया। देखिए सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, सबसे पहले प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेप के अंदर जो हमारी वेरिएबल है, जो हमारा वेरिएबल है वो हमारा डिक्लेयर हुआ। थर्ड स्टेप के अंदर हमने वैल्यू डाली वेरिएबल के अंदर। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या हुआ, हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। ऑपरेशन क्या था हमारा, वॉल इक्वल्स टू एच इंटू डब्ल्यू इंटू डी। ये वाला क्या हुआ, एच डब्ल्यू डी की वैल्यू मल्टीप्लाई की कंपाइलर ने, उसको किसमें स्टोर करा दिया, वॉल्यूम के अंदर। अभी उसके बाद हमने क्या किया, फिफ्थ स्टेप के अंदर वॉल्यूम को डिस्प्ले करा दिया, वॉल्यूम को डिस्प्ले करा दिया। लास्ट के अंदर क्या हुआ, हमारा रिटर्न जीरो, मतलब प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया, स्टॉप हो गया। सो ये हमारे कंप्लीट स्टेप थे किस तरीके से हमने यहाँ पे अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखिए गाइस, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने विद एल्गोरिथम के साथ आपको एक्सप्लेन करा है क्वेश्चन। थोड़ा आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं जिससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि गाइस मेरे को ना ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको वो बिल्कुल इस तरीके से समझाना है कि आपको दोबारा ये क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल अच्छे से आप इन क्वेश्चन को समझ पाओ। तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ आपको, एंड आपको गाइस अपना टाइम थोड़ा बचाना है तो क्या करना है, आपको वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एंड इसके बाद मैं आपको इसके अंदर यूजर से इनपुट लेते हैं कि यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं हम इन वैल्यूज को, ये और कर देता हूँ। सो इन तीनों को हम यहाँ से हटाते हैं एंड देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ हाइट विड्थ एंड एंटर द वैल्यू ऑफ हाइट विड्थ एंड डेप्थ। यहाँ पे हमने तीनों की वैल्यू एंटर करानी है। सो यहाँ पे तीनों वैल्यू को चलिए स्कैन कराते हैं एंड यूजर से इनपुट लेते हैं। सो मैं स्कैनर फंक्शन का यहाँ यूज करने वाला हूँ एंड परसेंटेज डी से सबसे पहले मैं अपना हाइट को यूजर से लूंगा इनपुट, एंड देन इसको हम कॉपी करते हैं। इसी तरीके से हम अपने दोनों डेप्थ को एंड विड्थ को, यहाँ हमारा आ गया डेप्थ, सॉरी यहाँ हमारा आ गया विड्थ एंड यहाँ आ गया हमारा डेप्थ। देखिए गाइस हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने स्कैन फंक्शन का यूज करके तीनों वैल्यूज को यूजर से इनपुट करा लिया, एंड ये तीनों वैल्यूज जो यूजर से इनपुट कराने वाले हैं वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, हमारी एच डब्ल्यू डी के अंदर। एंड लास्ट के अंदर एच डब्ल्यू डी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा एंड वॉल्यूम के अंदर स्टोर हो जाएगा, एंड देन वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने तीनों वैल्यूज को यूजर से इनपुट करा ली एंड इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं वैल्यू डालता हूँ अपने 12 एंड देन विड्थ की वैल्यू डालता हूँ मैं अपनी 10 एंड हाइट डालता हूँ 8। सो देखिए आपका जो आंसर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 960, जो हमारा पीछे आंसर आया था, जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू डाली थी उसके सेम हमारा आंसर आ रहा है। तो ये था क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एंड फर्स्ट क्वेश्चन को हमने दोनों तरीके से देख लिया, यूजर से भी इनपुट किस तरीके से लेते हैं एंड डिफॉल्ट वैल्यू भी हम किस तरीके से डालते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट गाइस, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व कीजिए, एंड इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं एल्गो, क्योंकि देखिए बिना एल्गो के हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो क्वेश्चन है मिस्टेक आ सकती है, एरर आ सकते हैं। सो एरर को अवॉइड करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं अपना एल्गोरिथम। तो देखिए इस क्वेश्चन का एल्गोरिथम बहुत इजी है एंड सबसे आसान एल्गोरिथम है। सो फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या हमारा स्टार्ट, क्योंकि एल्गोरिथम लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हमारा क्या, स्टार्ट। देन क्या करेंगे, हम डिक्लेयर वेरिएबल, दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ए एंड बी। ठीक है गाइस, थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, असाइन
वैल्यू इन ए एंड बी। ए एंड बी के अंदर वैल्यू को साइन कर लेंगे। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करेंगे, कैलकुलेट द सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। सम निकालना हमें, और सम किस तरीके से निकालेंगे, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सम नाम का, एंड उसके अंदर असाइन कर देंगे ए प्लस बी की वैल्यू। फिफ्थ स्टेप क्या क्या होने वाला, हमारा डिस्प्ले करा देंगे अपने सम को। एंड सिक्स के अंदर हम क्या कर देंगे, एंड या फिर स्टॉप। सो देखिए गाइस, ये मैंने कंप्लीट एल्गो लिख दिया है। स्टार्ट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को, देन असाइन करेंगे ए एंड बी की वैल्यू, एंड कैलकुलेट करेंगे सम ए प्लस बी, एंड लास्ट के अंदर कर देंगे डिस्प्ले कर देंगे अपने सम को, एंड देन स्टॉप। सो ये था हमारा कंप्लीट एल्गोरिथम गाइस। वीडियो को पॉज कीजिए, एंड सबसे पहले इस एल्गोरिथम को देख के आप अपना प्रोग्राम लिखिए, क्योंकि आप खुद से जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको अपने एरर्स का पता चलेगा। इससे क्या होगा, आपकी जो आने वाली जो प्रोग्रेस है उसके अंदर गाइस कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो चलिए प्रैक्टिस कीजिए अपना, एंड इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, मैं तो कराऊंगा ही, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो देखिए चलते हैं हम अपने वीएस कोड पर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ नई, क्वेश्चन 2.c नाम से, एंड इसके अंदर अपना हेडर फाइल लिख लेते हैं एसटेक इंक्लूड stdio.h इंट मेन। अभी देखिए, हमने हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टार्ट करना। स्टार्ट करने में हमने क्या किया, अपना हेडर फाइल डिक्लेयर कर दिया। अभी क्या करेंगे, इंट ए एंड बी नाम से दो वेरिएबल लेंगे, एंड इनके अंदर वैल्यू डालेंगे। सो ए के अंदर कितना डाल देता हूँ मैं, ए के अंदर हमारा था यहाँ पे 2, एंड बी के अंदर कितना था 6। ए के अंदर हमारा 2 एंड बी के अंदर था हमारा 6, यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी। अब क्या करने वाले हैं, अब हम अपना कैलकुलेट करेंगे सम। सम कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंट सम, एंड उस सम के अंदर क्या स्टोर करा देंगे हम अपना ए प्लस बी। ए प्लस बी को मैंने किसके अंदर स्टोर करा दिया, सम के अंदर। अभी सम को प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे, प्रिंट एफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज परसेंटेज। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अपना सम को प्रिंट कराएंगे, एंड यहाँ पे अपना कॉलम वन। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। लास्ट के अंदर अपना रिटर्न 0 कर देते हैं, जिससे हमारे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि अब हमारा यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। अभी हम अपना वीएस कोड पे इसको, चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, एंड चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। देखिए सम ऑफ टू नंबर इज 8। अभी सम ऑफ टू नंबर 8 मतलब 2 + 6 कितना 8। तो गाइज ये था हमारा क्या, एक क्वेश्चन जिसके अंदर हमने दो नंबर को सम किया, एंड इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, आपको वॉल्यूम निकालना सिखाया किसका, किसी भी एक क्यूब का। अभी आप बोल रहे होंगे गाइज कि इसने सबसे पहले हमको वॉल्यूम बताया, एंड इतना इजी सा क्वेश्चन है इसने इसके बाद बताया। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन दिखाया है, किस तरीके से हम अपना लॉजिक बिल्ड करते हैं, एंड ये तो गाइज एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपने क्यूब वाला क्वेश्चन कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, सम एंड मल्टीप्लीकेशन डिवाइड ये इजिली कर सकते हैं। तो आपके होमवर्क के अंदर एक क्वेश्चन है क्या, कि आपको दो इन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलो तीनों चीजों को निकाल के प्रिंट कराना है अपने कंपाइलर के ऊपर। सो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, एंड गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज इसको लाइक कर देना, क्योंकि गाइस आप लाइक कर देंगे वीडियो को तो हमें क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगी, एंड इस मोटिवेशन से क्या होगा, हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ला पाएंगे। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो भी नई वीडियोस आएगी, जो भी नए क्वेश्चंस आएंगे, पर डे मैं 2 क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, जिसके अंदर इसी तरीके के बेसिक एंड थोड़े से एडवांस क्वेश्चन होंगे। इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अलग 2 क्वेश्चन करेंगे, एंड आपको देखिए वीडियो के थंबनेल के ऊपर क्वेश्चन का टाइटल दिख जाएगा, एंड आपको नहीं पता चलता कि इस वीडियो के अंदर कौन सा क्वेश्चन है, तब क्या करना, डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लेना, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन करा रखा है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड गाइज एक बात और, मैंने गाइज इन क्वेश्चन से पहले आपको इफ एंड एल्स तक कंप्लीट थ्योरी एक्सप्लेन कर रखी है अलग अलग वीडियोस के अंदर। सो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, अपना कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं अपने सी प्रोग्राम का। सो गाइज चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।